ये सारी चीज़ें नहीं खाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। आज के डेट में मैं ओट्स किनवा दोनों ही खाती हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छा ना लगे तो उसे इग्नोर करना ही सोल्यूशन नहीं है। जिम ओपन हुआ है और इतने दिनों बाद जिम में जाके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे सबके साथ एक्चुअली एक्सरसाइज करने का एक मजा ही यार कुछ अलग है। अपने खुद के घर में बस चुपचाप जिम करना, वो भी मिथुन हमेशा मेरे साथ नहीं रहते तो इसके कारण से और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं मासी के घर। तो इसी बीच मैं काफी सारे टाइम मेरे मासी के घर गई पर वहाँ पे मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं किया, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जब जाती हूँ ना, कोई अगर स्पेशल ओकेशन नहीं होता है तो वहाँ पे अगर जाती हूँ ना तो बात करने में टाइम निकल जाता है। कोई मतलब जामा षष्ठी में शायद मैंने लास्ट शूट किया था वहाँ पे। तो बाय द वे मैं कुकिंग करके जा रही हूँ, मेरा अपना खुद का जो काम है वो सारे कंप्लीट करके जा रही हूँ। अदरवाइज खाने के बाद इतना ज़्यादा भूख लग जाती है तब कुकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये रहा दो लेग पीस जो कि हल्का सा रोस्ट करके इसका थोड़ा सा करी बनाया है आर्यन के लिए। और ये है मेरा और मिथुन का खाना, किनवा विथ चिकन, और उसके साथ थोड़ा सा ग्रीन पीस है और इसका जूस मासी बना के रखेंगे और कुछ सब्जियां। और ये ऑस्कर का ये एक है कोकोनट के साथ झींगा यानी कि तुरई। तो ये सारी चीजें बना चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फ्री होके अपना मासी के घर। वहाँ पे जाके थोड़ा सा चाय वाय पीना वही मस्ती है। आज वहाँ पे लंच करने का वैसे तो कोई प्लानिंग नहीं है क्योंकि वहाँ पे लंच करना मतलब कोई ना कोई राइस खाना, बहुत सारे बाटा भरता वगैरह और बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है, तो इसलिए आने के बाद फिर हम लंच करेंगे। और वो है मासी का घर, वो ग्रीन वाला शायद कोई सब्जी ले रहे हैं, वहाँ पे एक सब्जी वाला खड़े हैं। हम भी यहाँ पे कुछ लेने आए हैं। ये है सब्जी। तो ये है हमारा खास रीजन जिसकी वजह से यहाँ पे हम आए। कब है, कहाँ पे है, ये कोई मैटर नहीं करता। जहाँ पर भी आप जाओ, जब भी जाओ, चाय बहुत जरूरी चीज है। इनके कारण मुझे अभी चाय पीना पड़ रहा है क्योंकि ये अकेले नहीं करता। नेदू और मिथुन को चाय चाहिए, चाहे जो भी टाइम हो। एक्चुअली अभी हम यहाँ से चावल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो राइस है 38 रुपीज केजी है। राइस बहुत अच्छा है, यहाँ पे आके जो हम खाते हैं ना एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं है। पर वहाँ से जो हम लेते हैं बहुत ज्यादा महंगा है, जो कि 65 शायद पर केजी है। और सेम राइस जब मेट्रो से लेती हूँ तो उससे थोड़ा सा कम पड़ता है, इतना ज्यादा कम नहीं। पर ये सेम राइस नहीं है, पर ये भी काफी अच्छा राइस है, तो इसलिए राइस हम यहाँ से लेते हैं। स्ट्रेट 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 चारों दिशाओं में। नेदू ने लिया है नया मोबाइल, तो नया मोबाइल का अभी तक बात नहीं हुआ, एक स्वीट भी नहीं मिला हमें, बस एक चाय वो भी बिना शुगर के। अभी हम जस्ट आधे घंटे के लिए आए हैं ऑफिस, यहाँ पे थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम दोनों ही घर जाएंगे और जाके लंच करना है और उसके बाद मिथुन को फिर से वापस आना है और मुझे घर में रहना है क्योंकि घर में चल रहा है एक शूटिंग जिसे कम्प्लीट करना है मुझे। क्योंकि बॉटल भरती हो रहा है या बस ये मेरा इमेजिनेशन है कि मैं बॉटल खाली पे खाली कर रही हूँ। चलो अभी तक लंच नहीं किया, एक सब का हो चुका है लंच। हाँ चलो अभी घर चलते हैं, चल के एकदम से। आज ड्राइव तुम्हें करना है, ये थोड़ा पैर में दर्द है या हाथ नहीं है, आज तुम्हें ड्राइव करना है। कभी कभी लोग घोड़ा देख के घोड़ा भी हो जाता है। हाँ, आज मैडम को मजबूर कर ही दिया चलाने के लिए, अभी राइड जाना है। की क्या बात है, मजबूर की कोई बात नहीं, बस रिक्वेस्ट करके तो देखो। अच्छा तो आज से तुम ही चलाना। और क्या।
टाइम था जबकि मैं ओट्स किनवा ये सारी चीज़ें नहीं खाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। आज के डेट में मैं ओट्स किनवा दोनों ही खाती हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छा ना लगे तो उसे इग्नोर करना ही सोल्यूशन नहीं है, उसे किस तरह से अच्छा लगाया जाए वो ढूंढ निकला ही सोल्यूशन है। जो पसंद नहीं है फिर भी वो हेल्दी है मुझे पता है, उसका मैं इस तरह से टेस्ट बदल देती हूँ। एक टाइम था जबकि मेरे पास एक भी इयररिंग नहीं था। ये जो सारे इयररिंग्स हैं ना, ये काफ़ी अच्छे अच्छे सारे इयररिंग्स हैं, फिर सारे इयररिंग के ये जो पिन है, जो मेन चीज़ है, ये टूट चुका था। ये पिन के बिना आप कैसे इयररिंग पहनोगे। उसके बाद अमेजन से मैंने ये मंगवाई, ये गोल्डन और ये सिल्वर पिन। उसके बाद जितने भी मेरे इयररिंग्स टूटे हुए थे ना, वो सारे मैंने फिक्स कर लिया। पर एक बात तो सच है कि आजकल ये जो DIY का ज़माना चल रहा है ना, इस टाइम में हर एक चीज़ पार्ट पार्ट पे बिकता है। अमेजन में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपके पास टूटा फूटा है ना, तो उसे फेक मत देना। सर्च जब करेंगे तो प्रॉपर उसका नाम डालना पड़ेगा। जैसे कि ये जब इयररिंग टूट गया था तो मैं इसे किस नाम से बोलूँ कि वो वाला पिन, फिर मैंने सर्च किया अमेजन पे जाके DIY इयररिंग रॉ मटेरियल, तो उसके बाद ये निकल आया। शाम के टाइम में ये आसमान कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल ब्लू। और आज क्लाउडी वेदर नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा लग रहा है। शायद कैमरा में होता ही ऐसा कुछ, जब भी कार लेके निकलते हैं ना तो आसमान को अगर मैं शूट करती हूँ तो तब भी ऐसे ही आता है। ये देखो हमारा पुई शाक कितना बड़ा हो गया है ना। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं करती, इसे बस टब में ला के सेट कर दिया गया, उसके बावजूद भी ऐसे ही हो गया। इतना मोटा मोटा है इसका ब्रांचेस। सबको दावत दूंगी जब ये बड़ा हो जाएगा, जिस दिन से बनाऊंगी। पर एक भी मिर्ची नहीं आया, जो बहुत ही प्यार से ग्रो करने की कोशिश की वो ही नहीं हो रहा है। तो मिथुन आ जाए, उसके बाद होगा हमारा चाय का पार्ट, क्योंकि अभी चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। और थोड़ा सा जब एसिडिटी होता है तो उस टाइम में थोड़ा सा मीठी मीठी चाय पीने का और भी ज्यादा मन करता है। ये लोग ऐसे ही बैठ बैठ के मूवी देख रहा है, पर एक भी लाइट ऑन नहीं कर रहा है। ये भी एक सो गया घोड़े बेच के, और ये भी इसका घोड़ा शायद बेचना नहीं हुआ इसलिए ये जगह हुआ है। मुझे ये जलाना बहुत अच्छा लगता है। चलो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा इंतजार ही कर लेते हैं मिथुन के आने का। अगर मिथुन आ रहे होते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से दिखाई देता है, दूर से एकदम से वहां से अगर आते हैं तो वहां से लेके इस रोड से पूरा दिखाई देता है। डैडा आ गए डैडा, बालकनी में बैठने का कोई मतलब ही नहीं बना। चाय पीते हैं, जो पीने के लिए कब से मैं सोच रही थी कि कब मिथुन आएंगे और कब मैं चाय बनाऊंगी, और उसके साथ दो गार्लिक रस। तो चलो चाय पीते हैं, आज इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अभी थोड़ा सा गपशप करते हैं। कार के डिक्की से अभी तक राइस ऊपर नहीं आया, राइस आने के बाद सारे बड़े बड़े जो डब्बे हैं, छोटे छोटे डब्बे हैं, उस सारे डब्बे में राइस को डालना है, और उसके बाद थोड़ा सा डिनर के लिए कुछ सोच रहा है। तो ये रहा मेरा आज का पूरा दिन। ओके चलो अभी चाय के साथ यहीं पे एंड करते हैं। कब से मैं सोच रही हूँ कि एंड करती हूँ पर एंड एक्चुअली नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा बात करती हूँ मैं। तो चलो बाय, तो फिर आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय।